सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग दोनों को। हाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी उठा हूँ। सबसे पहले तो हाँ ब्रेकफास्ट से याद आया कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज कहीं और जाके ब्रेकफास्ट किया जाए। तो इसीलिए आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ दुनिया की A1 ब्रेकफास्ट मिलती है। तो अभी यही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना आज और जिस जगह की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन हापोली ज़ीरो में टू ईट। तो आपको वहाँ बहुत जैसे कि मोमोज, चाउस, थुप्पास, आलू के पराठे स्पेशली सुबह में ही मिलती है क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। सो मैं देखता हूँ कि अभी समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मैं देखता हूँ कि मुझे आलू के पराठे मिलेंगे कि नहीं। अदरवाइज़ मुझे कुछ और अलग चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा आज के लिए। तो सी यू गाइस, देखते रहे। वैसे भी कहते हैं ना, कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो वही कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो। मास्क वास्क भी पहन लिया हूँ मैं, जल्दी जल्दी चलते हैं नहीं तो आलू के पराठे जो है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस, मुझे जो है ना एक जो ब्लॉगर जो होता है ना उसकी जो एक फीलिंग ही नहीं आ रही अभी तक। सो होपफुली आगे आगे देखता हूँ, और क्योंकि अभी धीरे धीरे ब्लॉगिंग करने की आदत हो जाएगी होपफुली आप सबके प्यार से। तो इसीलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी खातिर। अच्छा कंटेंट्स देने की कोशिश करूँगा मैं, होपफुली एंटरटेनिंग हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव हो। सो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आगा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, तो यहां मैं पहुंच चुका हूं। देखता हूं कि मुझे ब्रेकफास्ट मिलता है कि नहीं। सो भाई राम रचो मौसी बाबू माँ आंटी राम रचो नी। हाँ तो भाई सभी ले भेटना आए को छोमो आउनु पर्छा राम रचो आउनु पर्छा नी। बाय द वे कोई लोग सोच सकते हैं कि मैं नेपाली हूँ, मैं हूँ नहीं, पर जहाँ भी प्यार मिले मैं वहीं का हो जाता हूँ। सो यहाँ ढेर सारी प्यार मिलती है मुझे, तो मैं इसीलिए मैं सीख रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी हर भाषा सीखने की कोशिश करूँ और उनके साथ उन्हीं की भाषा में ना बाबा माँ बोसी है कि नहीं बात करूँ। बोलोगी माँ किसके लिए बनाए? नानी को हाँ मुझे भी नहीं एकता बुआरी खोज दिन लो आंटी। हाँ सुंदर से एकदम सुंदर छो राम्रो छो बेटी के लिए छोरा छोरी छोरा हो कि छोरी छोरा छोरा। अच्छा हाँ मौसी मेरो नाश्ता हुन्छ। अच्छा पराठा खत्म भयो नि।
सो मिस कर दिया मैंने पराठा, आलू के पराठे जो है, मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ और खाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, यहाँ जो भी चीज़ें मिलती हैं एकदम बेस्ट टेस्टी। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगा, एक गर्मा गर्म लाल चाय विदाउट शुगर। ओके मौसी, विदाउट शुगर। ये हमारी प्यारी मौसी है, मौसी हाय बाय। ये हमारी प्यारी आंटी मौसी जी और बाबू अम्मा, माय थ्री एंजल्स। तो देखिए दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट, मौसी बाबू अम्मा हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, आंटी ने खा लिए। ऐसा ब्रेकफास्ट किसी को यहाँ मिलता नहीं है, किसी दूसरे कस्टमर को मिलता नहीं है। यहाँ बस आलू के पराठे, मोमो जाओ, थुपास, मैगी बन जाती है, बट मेरे लिए स्पेशल राइस विथ क्या है, पोर्क या चटनी, अचार, चिकन। यार इतना प्यार मिलेगा तो यार मैं तो थैंक यू थैंक यू। माया को दूरी लेते मिली बांधियोला, नेपाली का दारू निकालने वाला। तो ये दारू नहीं है सूप है क्या जार। ना अभी क्या बोला उसको, अरे और एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। वन जिंदगी नो फिकर, डोंट फिकर, वन जिंदगी डोंट फिकर। तो ये बॉइल हो गया ना, तो यहाँ से चाव थुप्पा बनेगा दोस्तों। बाबू मम्मी माँ खबर मजांग, कितना मजा, बहुत मजा, खांची सुदांग अमिया में मजांग खोखरा। तो मैं अभी बोलो भाषा बोल रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली सीख जाऊँ कुछ कुछ, अभी तो शुरुआत है बस। तो बाबू मामा जो बोलो है बोलो से है, लेकिन यहाँ हम लोगों के साथ बैठ बैठ के, मेरे साथ नहीं मौसी आंटी के साथ बैठ बैठ के नेपाली पूरी एकदम परफेक्ट सीख गई है कि नहीं बाबू मामा। तो मैं इनसे कभी कभी बोलो भी सीखने की कोशिश करता हूँ, तो अभी फिलहाल प्रोसेस में हूँ सीखने की प्रोसेस में। थैंक यू दे, और ऐसे करके हमको सिखाते रहिए हाँ आप सब। ओके सिखाई गन जानते, थैंक यू। हाँ हाँ हुन्छ लो, तपाईँहरूको यहाँ खानु नै बेस्ट छ एकदम। तो दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, काइंड ऑफ ब्रंच ही हुआ, सो अभी मुझे निकलना है, तो जाना है अभी। तो आंटी लोग मौसी बाबा वाह रामोरी बस्नु लो, रामोरी बस्नु, भोलि आउनु, भोलि आउनु लो, हुन्छ। सो दोस्तों दिस विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो अगर आप ऑलरेडी ज़ीरो में हैं या ज़ीरो के हैं तो आप इस जगह विजिट कर सकते हो, इट्स वेरी मच वर्थ इट। और आप ज़ीरो में नहीं हो या ज़ीरो के नहीं हो, और अगर आप ज़ीरो आए हैं तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट करना, आपको यहाँ सब कुछ
जैसे कि मैंने बताया टेस्टी और इन हाइजीनिक हाइजीन के हिसाब से भी बिल्कुल साफ सुथरा। हम सब क्लीनली देखो मैं फंबल कर रहा हूँ, क्लीनलीनेस ये शब्द कभी कभी मुझसे बोला नहीं जाता। सो इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस सफाई या इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस ऑल्सो दे आर वेरी मच गुड एट इट। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो अगर नहीं जानते होंगे इस प्लेस के बारे में सो दे विल नो इट नाउ। इन्फॉर्मेशन को और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट टू यू कैन क्लिक द बेल आइकॉन ऑल्सो। आई प्रोमिस कि देयर्स मच मोर टू कम फ्रॉम मी और आगे इससे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।